हेलो गाइस, आज हम पकी हुई मैंगो से मैंगो मस्तानी की रेसिपी बनाने वाले हैं जो सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पर हमने सबसे पहले 4 मैंगो लिया है, पके हुए लेना है। यहाँ पर हम मैंगो के छिलके निकाल लेंगे, उसके बाद मैंगो के टुकड़े कर लेंगे। मैंगो के टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। सारे टुकड़े मिक्सर में ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर 2 पार्ट में ब्लेंड करेंगे। हाफ मैंगो के टुकड़े ऐड कर लिए हैं। 4 मैंगो के हिसाब से हमें यहाँ पर 1 कप जितना मिल्क ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर आधा मैंगो के हिसाब से आधा कप मिल्क ऐड कर लेंगे। बाकी का आधा कप बाकी के मैंगो के लिए बचा के रखेंगे। अब हमें ब्लेंड की हुई चीनी ऐड करना है। चीनी को भी हम सेम तरीके से हाफ हाफ ही ऐड करेंगे। 1 चम्मच के हिसाब से हम यहाँ पर आधा ऐड कर लेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 2 पार्ट में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बाउल में ले लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ज्यादा पतला भी नहीं रखा है। हम यहाँ पर मस्तानी बना रहे हैं, इसलिए पतला नहीं करना है। अब हम मैंगो मस्तानी सर्व कर लेंगे। सबसे पहले ग्लास में मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। आपको जितना ज्यादा पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हो। अब हमें इसमें भिगोए हुए चिया सीड्स ऐड करना है। 1.5 चम्मच जितना चिया सीड्स लेना है। चिया सीड्स को हमने पहले से भिगो के रखा था। अब हमें इसमें ब्लेंड किया हुआ मैंगो पल्प ऐड करना है। अब हमें इसके ऊपर आइसक्रीम ऐड करना है। आपको जो फ्लेवर पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे अच्छा वेनिला आइसक्रीम ही लगेगा। अब हम ऊपर से मैंगो के टुकड़े ऐड कर लेंगे, वो आपको जितना ज्यादा पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हो। अब हम ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ये रेडी हो गई हमारी मैंगो मस्तानी। एकदम इजी और फटाफट से बनकर रेडी हो जाएगा और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, सबको पसंद आएगा। आप भी घर पर जरूर बनाइए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।